भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग 18 करोड़ ग्रामीण और 5 करोड़ शहरी आबादी है। इस बड़ी आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए लगभग 2 लाख आशा एवं ANM कार्यकर्तियां लगातार प्रयासरत हैं। हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकें, ये सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 सितंबर 2021 को शुरू किए गए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में डिजिटल रणनीति की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रणनीति के तहत प्रदेश सरकार द्वारा हर नागरिक को एक हेल्थ ID प्रदान की जाएगी, जिसके आधार पर प्रत्येक नागरिक को दी गई सभी स्वास्थ्य सेवाओं का रिकॉर्ड एक जगह पर संकलित हो जाएगा। साथ ही हर नागरिक को अपना इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एक डिजिटल हेल्थ लॉकर में उपलब्ध होगा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई कवच, जो कि एक वेब एवं मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है, का चयन किया गया है, जिसमें आशा द्वारा परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाएगा। तत्पश्चात विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं स्वास्थ्य इकाई द्वारा दी गई सेवाओं की जानकारी भी भरी जाएगी। इस एप्लीकेशन से आशाओं, ANM और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का काम बेहद आसान हो जाएगा और लाभार्थियों को समय से स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जा सकेंगी। पहले बहुत सारा रजिस्टर हमें भरना पड़ता था, मगर अब बहुत आसानी से हम लाभार्थी का पूरा रिकॉर्ड सीधे मोबाइल ऐप में भर देते हैं और ड्यू लिस्ट अपने आप ही तैयार हो जाती है। इस मोबाइल ऐप से रिकॉर्ड भरना और परामर्श देना दोनों ही बड़ा आसान हो गया है। जैसे कि सुनीता 4 माह की गर्भवती हैं, इनका रिकॉर्ड हमने इस मोबाइल ऐप में भर दिया है। गर्भावस्था के दौरान ANC जांच से संबंधित वीडियो भी हमने इनको दिखाया। फिल्म देखकर सुनीता बड़ी आसानी से संदेश को समझ पाई। इस मोबाइल ऐप से सुनीता भी खुश हैं और मैं भी। इस एप्लीकेशन को भारत सरकार के RCH एवं NCD पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा, ताकि हर एक नागरिक की एकीकृत सूचना एक जगह पर ही प्राप्त हो सके। इस ऐप की वजह से 30 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के ड्यू लिस्ट ऑटोमेटिक तरीके से प्राप्त हो जाएगी और उनका इलाज और रेफरल आसान हो जाएगा। इस एप्लीकेशन ने हमारा काम सचमुच बहुत ही आसान कर दिया है। इसमें हम रियल टाइम डेटा एंट्री भी कर सकते हैं, जिससे हमें अलग अलग रजिस्टर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कागजी वर्क नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल में ही देख के उन्हें सब जानकारी मिल जाएगी और ऑनलाइन है ये, तो कोई भी देख सकता है, हर किसी को इनकी जानकारी रहेगी। जैसे बबुआ ब्लॉक में इस समय सब ट्रेनिंग हो चुकी है, सबको मोबाइल दे दिए गए हैं, उन्होंने अपने जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं फील्ड में वो सब उसमें ऐड कर ली गई हैं, तो उन्हें कागजी वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने प्रदेश में व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य एप्लीकेशन का निर्माण कर इसके प्रयोग की शुरुआत फतेहपुर जिले से ही की है, जहां आशाओं एवं ANM ने प्रशिक्षण उपरांत लाभार्थियों को प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ऐप में भरना प्रारंभ कर दिया है। शीघ्र ही जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल प्रदेश की सभी आशाओं एवं ANM द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। इस ऐप के आ जाने से हम तकनीकी रूप से और भी ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं और भी ज्यादा जोश के साथ काम कर पा रहे हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं।